नाम है आपका? नाम क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पे जो जिला प्रोबेशन कार्यालय के ओर से और प्रशासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत गरीबों को ध्यान में रखते हुए दिवाली के पर्व पर उनको दान देने के लिए हमारे स्वयंसेवी संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज आजाद वेलफेयर हेल्प सोसाइटी ने इमालदा परवीन जी और उनकी टीम के द्वारा काफी संख्या में कपड़े खिलौने बच्चों के लिए दान किए गए हैं। आज दानोत्सव जो कलेक्ट्रेट परिसर में बना हुआ है उसमें आपने काफी अच्छे से दान दिया है और उसी के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। क्या नाम आप? मेरा नाम इमालदा परवीन है, मैं आजाद वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। जैसे कि मिशन शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है तो उसी के उपलक्ष में आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट में नीता अहरवाल जी मैम के अंडर में यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके उपलक्ष में आज हम यहाँ पर दान करने आए हैं, जिसमें हम काफी सारे कपड़े छोटे बड़े खिलौने बाकी अन्य सामग्री हमने यहाँ पर दान की। ये कार्यक्रम को तो कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम हमारा 2 तारीख से 10 तारीख तक है और हम ये कंटिन्यू 2 तारीख से कार्यक्रम कर रहे हैं, 10 तक करते रहेंगे और आगे भी हम इतनी अच्छी जो योगी जी ने स्कीम चलाई है ये बहुत ही सराहनीय है और आगे भी हम इस स्कीम के चलाते ही रहेंगे और दान करते रहेंगे। मैडम क्या क्या वितरण कर रही है इसमें? इसमें हम सारे कपड़े लाए हैं, छोटे बड़े कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, जीन्स पैंट, लेडीज सूट, शॉल, जैकेट आदि सामान हमने यहाँ पर वितरित किया है। आज समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे योगी जी ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है कि दान और सब जो चलाया है कि बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और हम ये चाहते हैं इसमें लोग और आगे बढ़कर आए, हमारे साथ जुड़े और यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आके दान करें जिससे जरूरतमंद लोगों के पास ये चीजें पहुंच सके। बीच में कहाँ निकलना है यार, बीच में निकलना, रोक लेगा ये ले, रोको रोको, पीछे निकलो, पीछे पीछे निकलो यार। थोड़ा सामान दिख रही थी, थोड़ा सामान दिख रही है चलो। ठीक है तो